पुराने दिल्ली के स्टाइल में मोहब्बत वाला शरबत। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पुराने दिल्ली की एक बहुत ही मशहूर ड्रिंक जिसका नाम प्यार मोहब्बत का शरबत है। फ्रेंड्स, पुराने दिल्ली में इसको प्यार मोहब्बत के नाम से ही जाना जाता है। मैंने यहाँ पर तरबूज 500 ग्राम लिया है और मैंने तरबूज को छुरी से काट कर बारीक चॉप कर लिया है। मैं यहाँ पर तरबूज को ग्राइंड नहीं करूँगी क्योंकि ग्राइंड करने से तरबूज का ओरिजिनल टेस्ट चला जाता है, इसीलिए मैं तरबूज को बारीक चॉप करके ही शरबत बनाऊंगी। और मैंने तरबूज को काटने से पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क बड़ा एक ग्लास लिया है और इसको मैंने फ्रिज में रख के अच्छे से पूरा ठंडा कर लिया है। यहाँ पर मैंने 10-15 आइस क्यूब लिया है। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच चीनी लिया है। यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए काजू को बारीक चॉप करके लिया है। यहाँ पर मैंने आलमंड को बारीक चॉप करके लिया है। यहाँ पर मैंने एक स्टील का बर्तन लिया है और मैं इसी बर्तन में मैंने जो मिल्क रखा था उसी मिल्क को मैं डाल दूँगी। और अभी मैं यहाँ पर जो मैंने 3 चम्मच चीनी रखा था उसी चीनी को डाल दूंगी और अच्छे से मिल्क के साथ चीनी को मिक्स कर लूंगी चम्मच से चला के। अभी मैंने अच्छे से चीनी को मिल्क के साथ मिक्स कर लिया है और अभी मैं जो मैंने आइस क्यूब रखा था उसी आइस क्यूब को मैं मिल्क में ऐड कर लूंगी। अभी मैंने चीनी और आइस क्यूब को मिल्क में ऐड कर लिया है तो अभी मैं तरबूज को भी ऐड कर लूँगी मिल्क के साथ। अभी मैं सारे तरबूज को मिल्क में ऐड कर लूँगी और थोड़ा तरबूज को रख लूँगी बाद में गार्निशिंग के लिए। और अभी चम्मच से अच्छे से मिल्क के साथ तरबूज को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है मोहब्बत का शरबत। और अभी मैं इसमें चिया सीड्स को भी 3 चम्मच डाल दूंगी। तो मैं यहाँ पर चिया सीड्स को डाल रही हूँ मिल्क में। आपके पास अगर चिया सीड्स हो तो आप डाल सकते, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप चिया सीड्स के बिना भी ये शरबत बना सकते हैं। तो अभी मैं चम्मच से चला के अच्छे से चिया सीड्स को मिल्क के साथ मिक्स कर लूँगी। तो अभी मैंने अच्छे से चिया सीड्स को मिल्क के साथ मिक्स कर लिया है और अभी ये शरबत रेडी है। तो अभी मैं ग्लासों में शरबत को सर्व कर लूँगी। यहाँ पर मैंने बड़ा 2 ग्लास लिया है और मैं अभी दोनों ग्लासों में 3 पीसेस करके आइस क्यूब को डाल दूँगी। तो अभी मैंने 3 पीसेस करके आइस क्यूब को डाल दिया है और अभी मैं शरबत को भी ग्लासों में डाल दूँगी। फ्रेंड, इस शरबत का नाम जैसे मोहब्बत है वैसे ही ये शरबत पीने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ये बहुत ही एनर्जेटिक शरबत है। मैंने 1 ग्लास में शरबत को डाल दिया है और अभी मैं दूसरा ग्लास भी लेके ऐसे ही ग्लास में शरबत को डाल दूँगी। तो मैंने दूसरा ग्लास में भी शरबत को डाल दिया है और अभी मैं मेरा जो थोड़ा शरबत रह गया है इस बर्तन में तो मैं अभी और 1 ग्लास लेके उस ग्लास में भी ये सारे शरबत को डाल दूँगी। तो इस ग्लास में भी मैं ऐसे ही आइस क्यूब डाल दूँगी 3 पीसेस और उसके बाद शरबत को डाल दूँगी ग्लास में। मैंने यहाँ पर ये शरबत बनाने के लिए 1/2 लीटर मिल्क लिया है और 1/2 किलो तरबूज लिया है। आप अपने हिसाब से जितना ग्लास शरबत बनाएंगे उसी हिसाब से आप तरबूज और मिल्क को ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस शरबत को बनाना बिल्कुल ही आसान है और इस शरबत को बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है और ये फटाफट से रेडी भी हो जाता है। फ्रेंड्स, रमादान का इफ्तारी हो या गर्मी का किसी भी टाइम पर ये शरबत आप बना कर पी कर अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। अभी मैंने 3 ग्लासों में शरबत को डाल दिया है और मैंने जो
तरबूज थोड़ा रखा था उसी तरबूज से मैं तीनों ग्लासों में शरबत के ऊपर गार्निश कर लूँगी। तीनों ग्लासों में मैंने तरबूज से गार्निश कर लिया है और अभी मैं इसमें चिया सीड से गार्निश कर लूँगी। तो चिया सीड मैं तीनों ग्लासों में एक एक चम्मच करके डालूँगी। अभी मैंने चिया सीड्स को डाल दिया तो अभी मैं जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रखा था बारीक चॉप करके गार्निश करने के लिए उसी ड्राई फ्रूट से अभी मैं तीनों ग्लासों में गार्निश कर लूँगी। अभी मैंने काजू से गार्निश किया और अभी मैं आलमंड से भी गार्निश कर लूँगी तीनों ग्लासों को। आलमंड से भी गार्निश कर लिया है और अभी मैं चेरी फल से गार्निश करूँगी। चेरी फल से गार्निश करना एक ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको कर सकते हैं और नहीं चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शरबत को चिया सीड्स और ड्राई फ्रूट्स और चेरी फल से गार्निश कर लिया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनके रेडी हो गया पुराने दिल्ली जामा मस्जिद के स्टाइल में प्यार मोहब्बत का शरबत। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज का मेरा रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज की नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड, फिर से कोई नई रेसिपी का वीडियो लेके आऊंगी इंशाल्लाह। तो फ्रेंड, अल्लाह हाफिज और दुआओं में याद रखिएगा।